हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फैंटेसी विनर। आज जो हम लोग बात करेंगे, एक तरफ देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान, दूसरी तरफ देखने को मिल जाएगा कनाडा। अगर पाकिस्तान को भाई क्वालिफाई करना है, टॉप 8 के अंदर जाना है, तो कंटिन्यू और 2 मैच बचा है पाकिस्तान का, और दोनों के दोनों मैच जो है पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। क्योंकि जब भी यूएसए के सामने पाकिस्तान हार गया है, उसके बाद पाकिस्तान का हालात बहुत ही बुरा बन चुका है। नेट रन रेट का भी मैटर रहेगा इस जगह पर। फिलहाल के लिए जो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस किस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, साथ में आज का जो मैच प्रिडिक्शन होगा उसमें कौन कौन ऐसा खिलाड़ी है जिनका नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम बहुत छोटा करके जाएगा, कौन कौन ऐसा खिलाड़ी है जिनका नाम बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा कर जाएगा, वो सारा चीज़ देखेंगे। उससे पहले देख लेंगे कि हम लोग किस किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम लोग बात कर लेंगे मैच प्रिडिक्शन क्या होने वाला है, स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है आफ्टर प्रेडिक्शन, साथ में देखेंगे स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन कैसा क्रिएट करना सबसे बेस्ट होगा वो भी आपको बताएंगे, साथ में इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी बताएंगे, एंड लास्ट में जो है फ्री गिवअवेज के ऊपर बात कर लेंगे कि कैसे फ्री गिवअवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा हम लोग ये जो मैच खेला जाएगा कहाँ पर खेला जाएगा वो थोड़ा बाद में देखेंगे। ये जो मैच है नसाउ कंटिक ग्राउंड, जो कि न्यू अप पर यह मैच होने वाला है, जो कि लास्ट मैच इंडिया पाकिस्तान का हुआ था सेम ग्राउंड पर जो है ये मैच होने वाला है। वर्ल्ड कप का 22वां नंबर मैच होने वाला है 11 जून को रात को 8 बजे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर आपको टॉस जो है 7:30 बजे देखने को मिल जाएगा, लाइन आप 7:35 में, फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन होपफुली 7:45 से लेकर 50 के अंदर जो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो जो भाई अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो, जल्दी जाओ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे कि कौन कौन ऐसा खिलाड़ी होने वाला है जो कि इस मैच में ट्रम्प कार्ड के हिसाब से भी इस्तेमाल हो सकता है, और कौन कौन ऐसा खिलाड़ी है जो कि इस मैच में आपको फ्लॉप होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। अगर फ्लॉप होगा तो उसका पीछे का रीजन क्या है, अगर ट्रम्प बनेगा तो उसका पीछे का भी रीजन क्या है, हर एक चीज जो आपको डीपली एनालिसिस करके बताएंगे। फिलहाल के लिए आपको देखने को मिल जाएगा कौन है, नवनीत और डिलन, एंड उसके साथ साथ देखने को मिला साथ बिन जफर, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जो कि इस मैच में ट्रम्प भी बन सकता है, फ्लॉप भी होने का चांसेस हो सकता है, पीछे का रीजन क्या वो भी आपको आगे चलकर बताएंगे। पाकिस्तान की तरफ से आपको देखने को मिला बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड साइन अफरीदी, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जो कि इस मैच में फ्लॉप भी हो सकता है, ट्रम्प कार्ड भी बन सकता है। अगर फ्लॉप होगा तो उसका पीछे का रीजन क्या है, अगर ट्रम्प कार्ड बनेगा तो उसका पीछे का रीजन क्या है, हर एक चीज जो है डीपली एनालिसिस करके बताएंगे। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे, जब भी इस ग्राउंड पर मैच हुआ है तो हमेशा ड्रीम टीम कैसा देखने को मिला था। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉमन चीज आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे, यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन से जो भी बना ना बॉलिंग से बना है, बैटिंग का रोल कुछ खास है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल जाएगा, बैटिंग का कुछ खास रोल है ही नहीं, जितना भी रोल है वो ऑलराउंडर एंड बॉलिंग सेक्शन का है। चौथा बार तीसरा बार मैच के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल जाएगा, बैटिंग का कुछ खास रोल है नहीं, सारा का सारा रोल जो है वो किसका है, ऑलराउंडर एंड बॉलिंग का। फिर से पांचवा में आ जाओगे तो पांचवा में भी आपको जो है सेम चीज़ देखने को मिल जाएगा कि इस ग्राउंड पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो भी मैच होता है, जो पिच का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है ये पिच मैक्सिमम टाइम बॉलिंग फेवर में चला जाता है। तो कोशिश यही करना है कि हम लोगों को टीम जो है बॉलिंग फेवर में क्रिएट करना चाहिए। फिलहाल के लिए चलेंगे हम लोग सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे कि टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन, साथ ही में टीम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है उसको भी अपडेट जो आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर दिया गया है। तो जल्दी जाओ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देखने को मिल जाएगा। इन केस आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो उस दौरान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप भी जो है फर्स्ट व्यूअर बन सके, साथ में गिवअवे के लिए रेडी रह पाए। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड का डेप्थ एनालिसिस क्या होने वाला है। इस ग्राउंड का डेप्थ एनालिसिस यानी कि एवरेज स्कोर जो है 150 से लेकर 160 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग होने वाला है। यहां पर हाईएस्ट टोटल जो 182 हुआ है, लोएस्ट जो है 77 रन हुआ है। दूसरी तरफ टोटल मैच यहां पर 6 खेला गया, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 3 बार जीता, बैटिंग सेकंड ने 3 बार जीता। स्कोर पैटर्न की बात करेंगे तो 150 से नीचे 5 बार बना, 150 से लेकर 170 के बीच में एक बार भी नहीं, 170 से लेकर 180 के बीच में एक बार बना, यानी कि जो 6 मैच हुआ 6 मैचों के अंदर जो है 5 बार जो है 150 के नीचे ही स्कोर था, यानी कि कुल मिलाकर 150 के नीचे ही आपको फिर से स्कोर देखने को मिल जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड पर जब भी मैच हुआ है कितने कितने स्कोर बना
डिफेंड करता हुआ टीम जीता या चेजिंग करता हुआ टीम ने जीता, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितना निकाला, स्पिनर ने कितना निकाला, वो भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ जहां पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 9, स्पिनर 0, सेकंड इनिंग में पेसर ने 6, स्पिनर ने 1 विकेट। यहां पर जो है इंडिया 119 किया था जहां की पाकिस्तान चेजिंग करता हुआ यह मैच हार गया था। दूसरी तरफ आपको देखने को मिला नेदरलैंड साउथ अफ्रीका के बीच में मैच हुआ जहां पर नेदरलैंड 103 रन बनाया 9 विकेट के साथ। वहीं पर साउथ अफ्रीका ये मैच को तो विन तो कर गया, लेकिन देखोगे तो साउथ अफ्रीका जैसा टीम नेदरलैंड के सामने 6 विकेट गंवा कर जा रहा है, मतलब बॉलिंग फ्रेंडली है ये पिच। दूसरी तरफ 7 जून को मैच हुआ कनाडा आयरलैंड के बीच में जहां पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 5, स्पिनर ने 1, सेकंड इनिंग में पेसर ने 4, स्पिनर ने 2, जहां पर कनाडा ने कितना किया 137 किया, जो कि आयरलैंड ने चेजिंग करता हुआ यह मैच हार गया, मतलब चेजिंग करता हुआ टीम यहां पर बार बार हारता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ 5 जून को मैच हुआ आयरलैंड इंडिया के बीच में जहां पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 8, स्पिनर 1, सेकंड इनिंग में पेसर ने 1, स्पिनर ने 1 विकेट। स्कोर जो है आयरलैंड ने 96 रन बनाया था सिर्फ, और वही स्कोर इंडिया उठाते उठाते मतलब चेजिंग करते करते 2 विकेट भी गवा दिया। यानी कि पिच जो है ऑलमोस्ट स्लो होने वाला है, साथ में पेसर को थोड़ा ज्यादा मदद मिलने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। आगे चलेंगे फिलहाल के लिए नेक्स्ट और देख लेंगे सबसे ज्यादा विकेट इस ग्राउंड पर कौन कौन सा बॉलर को मिला है। पेसर लेकर गया 63 विकेट एंड स्पिनर ने 14 विकेट, यानी कि पेसर का आंकड़ा थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है पेसर का आंकड़ा। यहां पर जो राइट आर्म फास्ट ने निकाला है 22 विकेट, राइट आर्म फास्ट मीडियम 23 विकेट, राइट आर्म मीडियम 7 विकेट एंड लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ने 11 विकेट। यानी कि कुल मिलाकर सबसे ज्यादा जो विकेट लेकर गया राइट आर्म फास्ट एंड राइट आर्म फास्ट मीडियम, कितना मैचों के अंदर, लास्ट 6 मैचों के अंदर। वहीं पर दूसरी तरफ स्पिनर ने जो 14 विकेट निकाला राइट हैंड मतलब लेग ब्रेक 5 विकेट निकाला, लेफ्ट आर्म चाइनामैन 0, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 7 एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक ने 2 विकेट। यानी कि स्पिनर का जो है कुछ खास रोल यहां पर है ही नहीं जितना रोल पेसर का देखने को मिल रहा है, यानी कि पेसर को अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा जगह बनाकर देना चाहिए। आगे चलेंगे फिलहाल के लिए सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे कि इन दोनों टीमों का हेड टू हेड बैटल क्या होने वाला है। इन दोनों के बीच में टोटल 1 मैच खेला गया था और एक ही जो है पाकिस्तान ने विन किया था। रिसेंट 5 मैचों की बात करेंगे तो कनाडा जो है 5 में से जो है यहां पर से आपको 1 मैच जीता है, 3 मैच हारा है, 1 का नो रिजल्ट है। वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है 5 में से 4 मैच हारा है, 1 का नो रिजल्ट है। जीतने का चांसेस 20-80 होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान जिस फॉर्म पर दिख रहा है ये जो 20-80 जो है ये 50-50 भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे चलेंगे फिलहाल के लिए नेक्स्ट और देख लेंगे दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। जॉनसन एंड नवनीत दोनों ओपन करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आपको देखने को जाएगा प्रगत सिंह ऑन डाउन पर, 2 डाउन पर आपको निकोलस केटन, ये बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है। लास्ट मैच पर भी प्रेडिक्शन दिया था 49 का आई थिंक से स्कोर करके खड़ा करके गया था टीम में, मतलब टोटल मैच का हाईएस्ट स्कोर उसने बनाया था। दूसरी तरफ आपको देखना माउवा की बात करेंगे, माउवा कुछ खास इंपॉर्टेंस रोल नहीं निभाएगा। बजवा की बात करेंगे, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस होगा, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, उससे ज्यादा कुछ प्रेफर मत करना। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा डिलन भी यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि बॉलिंग भी कराएगा बैटिंग भी करके देगा। फिर आपको देखने को मिल जाएगा सरविन जफर, ये भी बहुत ही बढ़िया बॉलर है लेकिन स्पिनर होने के कारण कुछ रोल यहाँ पर नहीं अदा करेगा। दूसरी तरफ जुनैद सिद्दीकी की बात करेंगे, लेग ब्रेक स्पिनर होने के कारण कुछ खास रोल नहीं निभाएगा। दूसरी तरफ आपको कलीम सना की बात करेंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम 11 विकेट टोटल मिला है 6 मैचों के अंदर, यानी कि पर मैच 2 विकेट, क्योंकि लेफ्टी तो अपने पाकिस्तान के तरफ में भी है तो थोड़ा सा डाउटफुल यहां पर से मैं हूं। दूसरी तरफ यहां पर से आपको देखने को मिल जाएगा गॉर्डन की बात करेंगे, गॉर्डन को टीम में ले चलो, बढ़िया बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है गॉर्डन, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से बात करेंगे, मोहम्मद रिजवान बाबर आजम ओपन करता हुआ, ऑन डाउन पर उस्मान खान एंड 2 डाउन पर फखर जमान, 3 डाउन पर आपको शादाब खान जो कि 4 ओवर बॉलिंग डालेगा, स्पिनर का कुछ खास रोल है नहीं। दूसरी तरफ इमाद वसीम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर पूरा का पूरा राइटी मतलब पूरा का पूरा राइट हैंड है, तो यहाँ पर से जो है नेक्स्ट मैच में शादाब खान को विकेट मिलने का चांसेस है, ये चीज ध्यान रखना। वहीं पर इफ्तिकार अहमद राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग नहीं डालेगा, साइंस अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम 4 ओवर कंप्लीट करके जाएगा, मोहम्मद अमीर ये भी 4 ओवर कंप्लीट करके जाएगा, नासिम शाह 4 ओवर, हरीश राव 4 ओवर, मतलब पूरा का पूरा 4 ओवर करके जाएगा। लेकिन इस मैच में जो है शादाब खान हम लोगों के लिए ट्रंप पिक होने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। शादाब खान इस मैच का ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है, शादाब खान इस मैच में 3 से लेकर 4 विकेट आराम से लेकर जाने का चांसेस है। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे कि क्या होने वाला रिसेंट परफॉर्मेंस अपना पाकिस्तान का। पहले ही देखने को मिल जाए मोहम्मद रिजवान 31-9, 23-0, 56 हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 1 मैच में 31 रन जो कि लास्ट मैच में बनाया था, ठीक ठाक खिलाड़ी है, टीम में ले चलो, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, एक आदमी चाहो तो वाइस कैप्टनशिप दे सकते हो। दूसरी तरफ बाबर आजम 13-44, 36-32, 75 हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 1 मैच में 13 रन,
ट्राई करो बाबर आजम को, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। उस्मान खान 13-3, 38-31, 16 हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 13 रन। मतलब पाकिस्तान का जो है इंडिया वालों ने लास्ट मैच में मतलब तेल का मचा दिया। दूसरी तरफ आपको देखने को मिला फखर जमान 13-11, 9-45 बैटिंग नहीं है, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 13 रन। ठीक ठाक खिलाड़ी है, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, उससे ज्यादा कुछ प्रेफर ना ही करो तो ही बेस्ट है। दूसरी तरफ यहाँ पर से साद अफगान 4-40, 0-0, 3-0, 0-0। हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 4 विकेट निकाला है, लेकिन साद अफगान जो है कनाडा के अगेंस्ट में आराम से 4 विकेट लेकर जाएगा। तो साद अफगान को सभी लोग जो है अपने स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम में जरूर से जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रेफर करके चलना। अगर आपको ग्रैंड लीग क्रैक करना है तो साद अफगान अकेला आपको ग्रैंड लीग करके देगा, क्योंकि 4 विकेट आराम से पकड़ के चलो। दूसरी तरफ आपको देखने को मुझे इमाद वसीम लेफ्ट हैंड बैट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रिसेंट 15-7, 0-22-2, 1-1, 0-1। हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 15-0 विकेट। इमाद वसीम बहुत नीचे बैटिंग करने आता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोनों में से कोई ना कोई विकेट लेगा यहाँ पर से, या तो फिर अपना साद अफगान 3 विकेट लेकर जाएगा, या तो फिर यहाँ पर से यूं इमाद वसीम 3 विकेट आराम से आग बंद करके लेकर जाएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आराम से 3 विकेट लेकर जाएगा, या तो फिर इमाद वसीम 3 विकेट लेकर जाएगा, या तो फिर साद अफगान आराम से 3 विकेट लेकर जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों में से कोई ना कोई एक 3 विकेट लेकर जाएगा ही जाएगा। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर से इफ्तिकार अहमद 5-7, 0-18, 7-0, 21-23, 5 हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 5-7, 0। कुछ खास इंपॉर्टेंस रोल नहीं निभाएगा तो इफ्तिकार अहमद को जो हम लोग अपना टीम से ड्रॉप करके चलेंगे। दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी 1-23-0-0-3-3 हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 1 विकेट। शाहीन अफरीदी किस तरीके का बॉलर है आप सभी को पता है, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, सीबीसी में अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करूंगा। जो लोग रिस्क टेकर हो वो लोग शाहीन अफरीदी को जरूर से जरूर अपना टीम में सीबीसी प्रेफर कर लेना। दूसरी तरफ मोहम्मद अमीर 2-1-1-0-0-1 हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 2 विकेट निकाला है, ठीक ठाक खिलाड़ी है, टीम में ले चलो, सीबीसी प्रोवाइड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो मोहम्मद अमीर को एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रेफर कर सकते हो। और एक पाकिस्तान का लॉजिक बता देता हूं, आप अगर मोहम्मद अमीर को मतलब शाहीन अफरीदी को अपना टीम में जगह बनाकर दे रहे हो तो हारिस रॉफ को छोड़ दो, अगर हारिस रॉफ को अपना टीम में ले रहे हो तो शाहीन अफरीदी को छोड़ दो। क्योंकि ये लॉजिक पाकिस्तान का टीम में बहुत पहले से अप्लाई होता हुआ आ रहा है कि या तो फिर शाहीन अफरीदी विकेट लेगा या तो फिर अपना हरीश रॉफ विकेट लेगा। ऐसा नहीं कि दोनों ही 3-3 विकेट लेकर जाएगा, या तो फिर अपना शाहीन अफरीदी 3 विकेट लेगा तो हरीश रॉफ खाली जाएगा, या तो फिर हरीश रॉफ 4 विकेट लेगा तो शाहीन अफरीदी खाली, या तो फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 विकेट में जाएगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, अगर आप शाहीन अफरीदी को ले रहे हो तो हरीश रॉफ को छोड़ देना, अगर हरीश रॉफ को ले रहे हो तो शाहीन अफरीदी को छोड़ देना, ये चीज़ ध्यान रखना। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले देखने को मिल जाएगा नसीम साद 3-1-1-0-1-1 हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 3 विकेट, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, उससे ज्यादा मैं कुछ खास प्रेफर नहीं करूंगा, डेथ में बॉलिंग डलाएगा। दूसरी तरफ हरीश रॉफ 3-1-1-3-2-1 हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 3 विकेट। सेम प्रेडिक्शन अप्लाई होता है अपना हरीश रॉफ के ऊपर, अगर अपना शाहीन अफरीदी को अपने टीम में ले रहे हो तो भाई हरीश रॉफ को छोड़ दो, और अगर हरीश रॉफ को ले रहे हो तो शाहीन अफरीदी को छोड़ दो। ये चीज अपने दिमाग में सही से डाल लो। आगे चलेंगे फिलहाल के लिए नेक्स्ट और देख लेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ में कौन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। शाहीन अफरीदी, अमीर एंड हरीश रॉफ स्टार्टिंग में, डेथ में शाहीन अफरीदी, अमीर एंड नसीम साई, ये कुछ खिलाड़ी जो है डेथ में देखने को मिल जाएगा। बेंच में कुछ खिलाड़ी होने वाला है यहाँ पर से, मुझे नहीं लग रहा है किसी को भी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर लेकर आएगा यहाँ पर से। अयूब को जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर लेकर आने का चांसेस बन सकता है, बाकी अदर किसी का चांस नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कि क्यों मैं हमेशा माई मास्टर 11 को लॉस कवरिंग एप्लीकेशन बोलता हूँ। उसका पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है, माई मास्टर 11 में चलता है 50,000 का फ्री गिवअवे, जहाँ पर आप इजीली 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरा 5 टीमों के साथ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो बिल्कुल फ्री, हो गया पहला। दूसरा, माई मास्टर 11 आपको प्रोवाइड करता है 100% बोनस यूजेबल, यानी कि आप अगर डाउनलोड किया आपको 100-200 रुपये जो एक्स्ट्रा रियल का मतलब बोनस मिलेगा, उसके साथ आप इजीली कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो कोई भी। यह होगा दूसरा मुनाफा। तीसरा मुनाफा, यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है नो जीएसटी, यानी कि आपको 1 भी रुपये जीएसटी देने का जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पर से नो टीडीएस, यानी कि जब विड्रॉ करते हो तो पैसा कटता है तो टीडीएस भी देने का जरूरत नहीं है, हो गया। उसी के साथ साथ माई मास्टर 11 आपको प्रोवाइड करता है नो जीएसटी नो टीडीएस, तो हो गया। लो कंपटीशन, लो एंट्री फीस, 100% बोनस यूजेबल। उसी के साथ साथ प्रोवाइड करता है मेगा लीडरबोर्ड, जो कि 1 करोड़ रुपये का होने वाला है, जहाँ पर आप जीत सकते हो बहुत सारा गाड़ियाँ, बहुत सारा बाइक, बहुत सारा मोबाइल फ़ोन, बहुत सारा एसी, बहुत सारा फ्रिज और बहुत सारा गिफ्ट है, जो कि आप माई मास्टर 11 से इजीली विन कर सकते हो। देर किस बात का, जल्दी जाओ जाकर डाउनलोड कर लो माई मास्टर 11 को। और हाँ, डाउनलोड करने के लिए और एक एक्स्ट्रा ऑफर,
आप अगर ये वाला रेफर कोड यूज करते हो शकील 44 तो आपको जो है फैंटेसी विनर की तरफ से 200 रुपए का एक्स्ट्रा रियल कैश दिया जाएगा, जिनके साथ आप इजीली कोई भी कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जल्दी जाओ, जाकर डाउनलोड करो, रेफर कोड भी यूज कर लेना शकील 44, ताकि आपको जो है फैंटेसी विनर की तरफ से 200 रुपए का एक्स्ट्रा रियल कैश भी प्रोवाइड कर दिया जाए। और हाँ, जरूर से जरूर रेफर कोड डाल देना। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे अपना कनाडा का प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। पहली आपको देखने को मिल जाएगा जॉनसन 14 रन 23 10 33 1, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 14 रन, ड्रीम टीम का हिस्सा। मैं थोड़ा सा डाउटफुली मैं रहूंगा ऐसे भी जॉनसन के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दिया है, 14 रन भले ही हो लेकिन फिर भी जिस तरीके से खेल रहा था, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था यहाँ पर से जो एरन जॉनसन जो है बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, तो टीम में प्रेफर करके चलो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जॉनसन कैप्टन वाइस कैप्टनसी बनेगा, लेकिन हाँ ड्रीम टीम का हिस्सा जरूर बन जाएगा जिस तरीके से खेल रहा था उस हिसाब से। दूसरी तरफ यहाँ पर से नवनीत 6 61 32 6 0, हेडवेट नहीं है ग्राउंड में, एक में 6 रन, मुझे खास कुछ इंपैक्ट नहीं दिखाया लास्ट मैच में। दूसरी तरफ प्रगत सिंह 18 5 के साथ 0 13 16 के साथ 0, हेडवेट नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 18 रन, थोड़ा सा ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है, रिस्क लेना चाहो तो भी ले सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले ही देखने को मिल जाएगा कीटन 49 51 15 28, हेडवेट नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 49 रन का पारी दिया, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है। अभी फिलहाल के लिए कनाडा का टीम से मुझे जितना तक लगा है किर्टन जो है बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है। लास्ट मैच में आप जाकर चेक कर लो, किसी भी फैंटेसी इन्फ्लुएंसर ने किर्टन को अपने टीम में जगह बनाकर नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ किसी ने अगर लिया था तो वो सिर्फ फैंटेसी विनर ने लिया था जो कि मेरा है। तो आपको भी अगर अच्छा खासा टीम लेना है और अच्छा खासा प्रॉफिट करना है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा श्रेयस मावा 37 32 2 0 20, हेड पर नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 37 रन का पारी दिया, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, ड्रीम टीम का हिस्सा फिर से बनता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, टीम में जगह बनाकर दो, सीबीसी अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करूंगा। दूसरी तरफ आपको बजवा की बात करेंगे 7 11 3 33 52, हेडवेट नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 7 रन, मैं अपने साइड से कुछ खास इंपैक्ट नहीं गिराऊंगा तो अपना टीम से ड्रॉप करके चलूंगा, आप भी चाहो तो अपना टीम से ड्रॉप करके चलना। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले आपको देखने को मिल जाएगा डिलन 0 के साथ 2 1 के साथ 1 17 के साथ 4 0 विकेट 12 के साथ 2, हेडवेट नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 2 विकेट, बढ़िया खिलाड़ी है, बॉलिंग बहुत सही डाल जाता है, बैटिंग भी ऑलमोस्ट सही कर जाता है, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, टीम में ले चलो। और पिच का कंडीशन जिस तरीके का दिख रहा है तो विकेट आराम से गिरेगा, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा बॉलर लेकर चलने का। दूसरी तरफ सरविन जाफर की बात करेंगे 1 विकेट 0 विकेट 2 के साथ 2 20 के साथ 2 29 के साथ 1, हेडवेट नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 1 विकेट निकाला है, ठीक ठाक खिलाड़ी है क्योंकि ऑलराउंडर में है और स्पिनर भी है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो स्पिनर को कुछ खास रोल तो इस ग्राउंड पर है नहीं, लेकिन फिर भी जिस जगह पर बैटिंग करना आता है अगर विकेट गिरा तो बैटिंग आ जाएगा, तो उस हिसाब से कुछ लोग अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो बस अपने टीम में जगह बना कर दो, उससे ज़्यादा कुछ प्रेफर मत करना। वहीं पर जुनैद सिद्दीकी लेग ब्रेक 1 0 0 2 2, हेडवेट नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 1 विकेट, खास तरीके से टीम में जगह बनाकर नहीं दूंगा, आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कोशिश करो ड्रॉप करके चलने का। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरे खिलाड़ी, पहले ही देखने को मिल जाएगा कलीम सना 0 1 1 1 1, हेडवेट नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 0 विकेट, कलीम सना मुझे नहीं लग रहा कुछ खास इंपैक्ट रोल निभाएगा, लेकिन फिर भी लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है तो उस वजह से थोड़ा सा डाउट में रहूंगा। फिर भी कलीम सना के ऊपर जो भी प्रेडिक्शन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, तो उसके बाद आपको अपडेट दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। गॉर्डन की बात करेंगे राइट आर्म फास्ट मीडियम 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, एक मैच में 2 विकेट, बढ़िया खिलाड़ी है, विकेट टेकर बॉलर है, डेथ में बॉलिंग करने आएगा, टीम में ले चलो, सीवीसी प्रोवाइड नहीं करूंगा, लेकिन अगर पहले बॉलिंग कर रहा है मान के चलो अपना कनाडा का टीम, उस दौरान एकाद में चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो गॉर्डन को, ये चीज ध्यान रखना। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले ही आपको यहां पर से देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग एंड डेथ में डिलन एंड कलीम सना एंड गॉर्डन, डेथ में देखने को मिल जाएगा कलीम सना गॉर्डन एंड सद बिन जाफर, यहाँ पर बेंच में कुछ खिलाड़ी होने वाला है, मुझे नहीं लगता कोई भी आएगा, लेकिन फिर भी आता अगर आना चाहे तो यहाँ पर जोशी को लाने का चांसेस हो सकता है, बाकी अदर मुझे कोई नहीं लगता। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे कि अपने टीम कॉम्बिनेशन कैसा होने वाला है। अब आप बोलोगे कि भाई अपना सबसे ज़्यादा डिमांडेबल चीज़ जो है प्लेयर बैटल वो कहाँ है, क्योंकि भाई दोनों टीम आमने सामने कभी टकराया ही नहीं है, तो भाई प्लेयर बैटल कहाँ से आएगा। तो फिलहाल के लिए टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, विकेट कीपर में रखेंगे रिजवान, बैटिंग में रखेंगे बाबर आजम, और एक खिलाड़ी मैं यहाँ पर से रख सकता हूँ जिसका नाम यहाँ पर से किर्टन जो है, यहाँ पर से निकोलस किर्टन को जो है अपना टीम में भी जगह बनाकर दे सकते हैं, फिर से ये चीज़ ध्यान रखना। ऑलराउंडर पर इमाद वसीम, सादब खान एंड हेलिंगर, क्या नाम है यार,
हाँ हेलिंगर, और बॉलिंग सेक्शन में रखेंगे आमिर गॉर्डन, साइन अफरीदी, नसीम शाह, हरीश रॉफ एंड सना कलीम शाना। फिलहाल के लिए कैप्टन अपना साइन अफरीदी, भारी वाइस कैप्टन हरीश रॉफ, लेकिन ये एक्चुअली में होगा नहीं, दोनों में से किसी को ही रखेंगे। और होपफुली वाइस कैप्टन से मैं शादाब खान को अपना टीम में प्रेफर करके चलूँ। बाकी अदर जो भी चेंजेस होगा टीम में टेलीग्राम पर अपडेट दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे कि कुछ ऐसा खिलाड़ी जिनको आप अपना टीम में एज ए स्मॉल लीग के ट्रम्प कार्ड के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में कुछ ऐसा खिलाड़ी है जिनको आप अपना स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग के टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर भी प्रेफर कर सकते हो। पहले देखने वाले बाबर आजम, हरीश रॉफ, मोहम्मद रिजवान, साइन अफरीदी एंड सद बिन जफर, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनको आप अपना टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर प्रेफर कर सकते हो। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एज ए ट्रम्प कार्ड के ऑप्शन में शादाब खान, एरन जॉनसन एंड आपको देखना होगा गॉर्डन, उसके साथ साथ आपको देखने को मिल जाएगा प्रगत सिंह एंड उसी के साथ साथ आपको देखने को मिल उस्मान खान, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनको आप अपना टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन का, वो तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर ही दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताते हुए जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर जाना, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप भी जो है अपना फर्स्ट व्यूअर बन सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।